स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर स्टडिंग वेल। आई एम राहुल भटनागर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम स्पेशल पर्पस बुक्स, जिसको सब्सिडरी बुक भी कहा जाता है, इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने सिंगल कॉलम कैश बुक को अच्छे से समझा है। आज हम समझेंगे डबल कॉलम कैश बुक, जिसको हम टू कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं। टू कॉलम कैश बुक को समझने से पहले हमें इसके बारे में कुछ बेसिक बातें समझनी बहुत ज़रूरी हैं, तभी हम इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, बाद में करेंगे। पहले हम इसके कुछ बेसिक टर्म्स हैं उसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसके फॉर्मेट को समझना पड़ेगा। मैंने फॉर्मेट आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। इसमें सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ से एक कैश कॉलम होता है। अब डबल कॉलम कैश बुक है तो इसमें कैश और बैंक डेबिट साइड में और कैश और बैंक क्रेडिट साइड में, बाकी सारा फॉर्मेट सेम है। लेजर फोलियो है, पर्टिकुलर्स है, दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट साइड सेम कॉलम है। दूसरी बात, सिंगल कॉलम कैशबुक में जैसे कि मैंने पहले बताया था, कैश कॉलम का डेबिट साइड ये हमेशा हायर होगी और कैश कॉलम का ही क्रेडिट साइड का टोटल कम होगा, क्योंकि ये जो कैश है ये हमारे पास अवेलेबल कैश है, जितनी अवेलेबिलिटी है उसमें से ही हम खर्च करेंगे। जो क्रेडिट साइड है वो सारा हमारा एक्सपेंसेस है, और जो कैश साइड है वो रिसिप्ट साइड है। जो कैश आया है उसको हम रिसिप्ट में दिखाएंगे, और जो कैश गया वो उसको हम क्रेडिट में दिखाएंगे। तो लेकिन अब डबल कॉलम कैश बुक में कैश कॉलम तो अभी भी वही बात रहेगी कि जी जो डेबिट साइड है वो हायर साइड ही रहेगी और जो क्रेडिट साइड है वो लोअर साइड ही रहेगी हमेशा। लेकिन बैंक कॉलम में हो सकता है अगर बैंक ने आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया हुआ है तो बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड बड़ा हो सकता है और डेबिट साइड छोटा हो सकता है। तो इसलिए पहले बैंक कॉलम के दोनों टोटल्स को रफ में टोटल कर लीजिएगा, उसके बाद बैलेंस सीडी निकालिएगा कि वो डेबिट साइड में आती है या क्रेडिट साइड में आती है। अब मैं आपको कुछ केसेस बताऊंगा जिसकी डबल कॉलम कैशबुक में किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, इन केस आप बैंक में कोई चेक जमा करते हैं, कोई राम ने चेक दिया, आपके डेटर था, राम ने आपको चेक दिया, वो आप उसको जमा करते हो और दो दिन बाद वो पता चलता है बैंक में डिसऑनर हो गया। किसी भी वजह से डिसऑनर हो सकता है, चेक पर कुछ गलत अमाउंट लिख दिया, गलत डेट लिख दी, साइन नहीं टैली हुए, कई रीजंस हो सकते हैं चेक डिसऑनर होने के। तो जब चेक आप रिसीव करते हो, जमा करते हो, तब उसकी क्या एंट्री करोगे आप क्या जनरल एंट्रीज बनाते हैं? बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं क्योंकि पैसा आया है हमारे पास। सपोज 500 रुपये का अगर चेक था तो टू किसको करेंगे आप? क्रेडिट राम को कर देंगे, राम अकाउंट। इसको आप कैशबुक में कैसे दिखाएंगे? कैशबुक में हम बैंक में पैसा आया है ना, तो हम बैंक में जो डेबिट साइड है ये साइड हमारी रिसिप्ट की है, जो पैसा आया है वो हम इधर दिखा देंगे क्योंकि चेक था तो हमने बैंक को हमने डेबिट कर दिया, और यहाँ पे हम लिख देंगे टू राम। ऐसे ही करेंगे ना, डेट डाल देंगे जिस भी डेट का है, ठीक है। अब मान लीजिए ये चेक आपका डिसऑनर हो जाता है, चेक इज डिसऑनर्ड, अब क्या एंट्री करेंगे? बैंक से फोन आया जी चेक तो डिसऑनर हो गया, तो हमें कैशबुक में इमीडिएट एंट्री तो करनी पड़ेगी। दो दिन बाद फोन आया, अगर ये मान लीजिए 1 तारीख की डेट का था तो आप 3 तारीख की डेट में पता चला है आपको, तो 3 तारीख की डेट में आप लिख देंगे बाय, इसी एंट्री को आप रिवर्स कर देंगे, राम को आप फिर से डेबिट कर देंगे, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि बैंक में जो हमने पैसा अपना ऐड कर दिया था वो बैंक से निकल गया वापस, बैंक में आया ही नहीं वो वाला पैसा। तो यहाँ पे अब हम बैंक में पैसा कम हो गया तो हमने 500 रुपीज़ से बैंक को क्रेडिट कर दिया। इस वाली एंट्री का एग्जैक्टली रिवर्स कर देंगे हम, यहाँ हम लिख देंगे बाय राम। एक सिचुएशन ये हो गई, और दूसरी सिचुएशन बताता हूँ मैं, इसको रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट सिचुएशन इज, राम ने आपको चेक देके गया फर्स्ट ऑफ अप्रैल को, फॉर एग्जांपल, आपके पास पड़ा रहा, आपकी ड्रॉअर में पड़ा रहा, दो दिन आपने चेक को जमा ही नहीं किया बैंक में, तब आप इसकी कैशबुक में क्या एंट्री करेंगे? ट्रांजैक्शन तो एक हो गई ना, राम 1 अप्रैल को चेक देके चला गया,
तो उसकी क्या कैश बुक में कुछ एंट्री होगी? कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, इसकी जर्नल एंट्रीज बनाई जाएगी। जर्नल एंट्री आपको दिखानी पड़ेगी, इवन अगर कैश बुक आप बना रहे हैं तब भी आपकी इसकी जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी। क्या जर्नल एंट्री बनेगी? जिस दिन वो चेक दे के गया उस दिन आएगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, टू राम। अगर फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल का था ये, तो हम ये डेट डाल देंगे 1 अप्रैल को राम ने चेक देके गया 500 रुपीज़ का, लेकिन हम उसको भूल गए जमा करवाना। अब बैंक में हमने जमा किया 3 अप्रैल को। अब ये वाली जो एंट्री है ये कैश बुक में आएगी। इस एंट्री को आप अवॉइड कर सकते हो। ये एंट्री आपको बना के दिखानी है, कैश बुक के क्वेश्चन में भी ये एंट्री आपको बना के दिखानी है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। दूसरा, अब 3 अप्रैल को आपको याद आया आप बैंक में जमा करने गए, तब क्या करेंगे आप? बैंक अकाउंट, बैंक में पैसा आ गया ना, फिर हमारे हिसाब से तो आ ही गया पैसा। बैंक अकाउंट डेबिट 500 रुपीज़ से टू चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट, मतलब इस चेक इन हैंड को आप डेबिट किया था, यहाँ पे आप क्रेडिट कर दोगे। ये वाली एंट्री, जनरल एंट्रीज आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये जनरल एंट्रीज जो है, ये बैंक अकाउंट हमारा ये आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिख देंगे टू चेक इन हैंड। क्लियर है? ये अक्सर ये आ जाता है और स्टूडेंट्स इसमें गलती कर देते हैं। तो आपने ये जनरल एंट्री पहले वाली बनानी है, और इस वाली को नहीं बनाना है। इसकी ट्रांजैक्शंस की एंट्री इस तरह से होगी। और एक केस लेके चलते हैं। एक ट्रांजैक्शंस और अक्सर आती है, रिसीव्ड ₹9,500 फ्रॉम सोहन अवर डेटर एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ ₹500। सोहन हमारा डेटर था, हमने उससे पैसे लेने थे 10,000 रुपया, लेकिन हमने 9,500 रुपये लिए और 500 रुपये का उसको डिस्काउंट दे दिया। तो इसकी जनरल एंट्रीज आप कैसे बनाएंगे पहले तो आप ये बताइए, और फिर कैश बुक में आप किस तरह से उसको एंटर करोगे। स्टूडेंट्स, जनरल एंट्रीज का अगर आपने मेरे वीडियोज़ नहीं देखे हैं, अगर आपने जनरल एंट्रीज़ के, मैंने 7 वीडियोज़ डाले हैं, वीडियो नंबर 17 से लेकर वीडियो नंबर 23, मेरे वीडियो नंबर हैं 17 से 23, वीडियोस ऑन जर्नल एंट्री। अगर आपने इनको नहीं देखे हैं, डायरेक्ट आप कैश बुक का चैप्टर देख रहे हो, तो मेरी सलाह ये है कि आप इसको अभी एग्जिट करके बाहर निकलो और पहले ये 7 वीडियोस को देखो, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको जर्नल एंट्रीज को समझाया हुआ है। क्योंकि आप अगर डायरेक्ट इस चैप्टर को खोलोगे तो जर्नल एंट्रीज अगर नहीं आएंगी आपको, तो फिर गलती करोगे। तो सीरियल से ही चलना है आपने। जर्नल एंट्रीज के 7ों जो वीडियोस देखिए आप मेरे, आप समझेंगे। तो अभी की जो ये ट्रांजेक्शन है वो भी जर्नल एंट्रीज के ऊपर है, मैं समझा देता हूँ, लेकिन मेरी एडवाइस यही है कि आप इन वीडियोस को पहले देख लीजिए। तो हमारी ट्रांजेक्शन्स थी रिसीव्ड ₹9,500 फ्रॉम सोहन, अलाउड डिस्काउंट ₹500। इट मीन्स हमने 10,000 रुपीज़ लेने थे, हमने 500 का डिस्काउंट देके 9,500 रुपीज़ ले लिए सोहन से। क्या जर्नल एंट्रीज बनाएंगे इसकी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू सोहन। ₹9,500 हमें मिले हैं, 500 हमें डिस्काउंट अलाउड कर दिया, और 10,000 से हमने सोहन के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ये जर्नल एंट्रीज बनेगी। अब इसका कैश बुक में कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा? कैश बुक में हम सिर्फ से कैश अकाउंट दिखाएंगे 9,500। हमने कैश आया है, हमारे पास आया है, तो हमने डेबिट साइड में लिख दिया 9,500 टू सोहन। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब बाकी का क्या करेंगे?
डिस्काउंट अलाउड 2 सोहन, ये तो अभी कहीं दिखाया ही नहीं हमने। तो इसकी आपको जर्नल एंट्री बनानी है। क्या जर्नल एंट्रीज बनाएंगे? कैश बुक, अगर क्वेश्चन आ रहा है कैश बुक के साथ में जर्नल एंट्रीज भी नीचे देनी है। क्या जर्नल एंट्रीज होगी? वो वाली डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू सोहन 500 रुपए से। ये जर्नल एंट्री आपने बना के दिखानी है, नरेशंस लिखनी है कि 500 रुपये का डिस्काउंट दिया है और 9,500 रुपीज़ कलेक्ट किए हैं सोहन के साथ। तो हमने ये वाली बना दी है और इसको आपने बना के दिखाना है। क्लियर है? और आगे चलें और सिचुएशंस ले लें। अब इसी सिचुएशंस का रिवर्स ले लेते हैं। अब मान लीजिए हमने डिस्काउंट मिला है, हमको सोहन को हमने देने थे पैसे 10,000 रुपया। अब आप कह देते हो पेड पेड रुपीज 9,000 टू सोहन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड रुपीज 500। डिस्काउंट रिसीव्ड रुपीज 500, उसी एंट्री का रिवर्स है। अब इसकी जनरल एंट्री बताइए कैसे बनाएंगे। हमने सोहन को कैश दिया है, सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे? सोहन अकाउंट डेबिट, सोहन के अकाउंट को डेबिट करेंगे। टू कैश अकाउंट, कितना दिया हमने कैश अकाउंट? 9,500। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितने से? 500 रुपीज़ से। और सोहन के अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे, 10,000 रुपीज़ उसको देने थे, 10,000 से हमने उसको डेबिट कर दिया। पहले हमने क्रेडिट किया हुआ होगा, अब हमने उसको डेबिट कर दिया 500 रुपीज़ डिस्काउंट अलाउड। ये हमारी इनकम है, एक तरह से हमारी इनकम है, तो हमने इसको क्रेडिट किया है। डिस्काउंट अलाउड जो था हमारा एक्सपेंस था, इसलिए हमने उसको डेबिट किया था। अब इस एंट्री को आप कैश बुक में कैसे दिखाओगे? हम कैश बुक में सिर्फ से ये वाला पार्ट दिखाएंगे, 9,500 रुपीज़ हमने कैश पे किया है। अगर हम चेक से पे करते तो बैंक कॉलम में दिखा देते, सिर्फ से यही फ़र्क है। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? नाम लिख देंगे बाय सोहन, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके अलावा आपने एक जनरल एंट्री भी बना के दिखानी है, चाहे क्वेश्चन में कहा हो या ना कहा हो, जनरल एंट्री आपने दिखानी है बना के। क्या बना के दिखानी है? सोहन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, सोहन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 500 रुपीज से। क्लियर हो रहा है आपको? जो जर्नल प्रॉपर हमने सब्सिडरी बुक्स के 8 टाइप्स ऑफ जर्नल बताए थे, उसमें जो जर्नल प्रॉपर है वो ये है जर्नल, जिसकी एंट्रीज बननी ही है, कोई और अल्टरनेट नहीं है। इसको आप एस्केप नहीं हो सकते इस जर्नल एंट्री से। बाकी से तो आपने नहीं बनाई, आपने डायरेक्ट लेजर बना दिया। इस जर्नल एंट्री से आप एस्केप नहीं हो सकते, तो आपको बनानी ही है जर्नल प्रॉपर, यही है, ठीक है। और सिचुएशन लेके चलता हूँ, इसको मैं फिर से रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स जो आती हैं कॉन्ट्रा एंट्री, बहुत नाम सुना होगा आपने कॉन्ट्रा एंट्री, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैश बुक आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, और कैश बुक अगर देंगे तो कॉन्ट्रा एंट्री को वो देंगे ही देंगे, तो इस पार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। कॉन्ट्रा एंट्री मीन्स कि ऐसी ट्रांजैक्शंस जो कैश बुक के दोनों साइड में अपियर हो, ट्रांजैक्शंस विच अपियर्स बोथ साइड ऑन द कैश बुक, डेबिट साइड भी क्रेडिट साइड भी। द बैलेंस ऑफ वन साइड विल डिक्रीज एंड द बैलेंस ऑफ अदर साइड विल इंक्रीज, चाहे वो इस साइड का इंक्रीज हो सकता है, चाहे इस साइड का हो सकता है, डिक्रीज भी किसी भी साइड का हो सकता है। दोज ट्रांजेक्शन्स विच अपियर बोथ साइड ऑन द कैश बुक आर नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री। इसको हम एक सी एक डिनोट करते हैं सी से, और हम इसको लेजर कॉलम में हम दिखाएंगे। ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं? कैश डिपॉजिटेड इन टू बैंक,
कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्या जर्नल एंट्री बनेगी इसकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जर्नल एंट्रीज बनानी बहुत ज़रूरी है, जर्नल एंट्रीज को समझना बहुत ज़रूरी है। बैंक अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया टू कैश अकाउंट। देखो, ये दोनों कॉलम हमारे बैंक और कैश कैश बुक कॉलम में है ना, डबल कॉलम कैश बुक में, तो ये पूरी एंट्री हमारी यहाँ क्लोज हो जाती है। मान लीजिए 500 रुपीज़ हमने कैश जमा किया है बैंक में। अब इस एंट्री को हम कैश बुक में कैसे दिखाएंगे? हमारा कैश कम हुआ है, हमने अपने ऑफिस का कैश, घर का कैश नहीं है, मेरी अपनी पॉकेट का कैश नहीं है, ऑफिस का कैश हमने जमा कर दिया है बैंक में, तो हमारा कैश कम हो गया। कैश कम हो गया तो हम कैश को तो हम क्रेडिट कर देंगे, ये पेमेंट साइड है, ये रिसिप्ट साइड है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? बाय बैंक अकाउंट 500 रुपीज़ से हमारा कैश कम हो गया, तो हमने पेमेंट दिखा दी। अब बैंक में तो कैश बढ़ गया ना हमारा, तो बैंक में रिसिप्ट हुआ है, तो हम यहाँ बैंक कॉलम में ऐड कर देंगे 500 रुपीज़ और यहाँ पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट, डेट डाल देंगे जो भी डेट है। तो ये दोनों, ये जो एंट्री है दोनों साइड आ गई है हमारे कैश बुक में, तो हम इसके लेजर फोलियो में यहाँ पे सी लिखना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। नहीं लिखा तो कुछ नहीं पता, आधा नंबर वो इसी का ही काट ले, तो इसलिए कॉन्ट्रा लिखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि दूर से पता लग जाता है कि भाई ये कहाँ कॉन्ट्रा एंट्री है। एक केस तो हो गया हमने बैंक में कैश जमा किया, अब दूसरा केस सोचो कौन सा हो सकता है? सिर्फ दो ही केस होते हैं ऐसे। दूसरा हो सकता है अगर कैश विड्रॉन, फ्रॉम बैंक 1,000 रुपया। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? हमने कैश विड्रॉ किया है ऑफिस पर्पस के लिए, घर के लिए नहीं। अगर घर के लिए होता तो यहाँ लिखा होता कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, उसकी क्या एंट्री बनाते आप? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहाँ पे ऑफिस पर्पस के लिए कैश विड्रॉ किया है बैंक से, तब इसकी क्या एंट्री बनेगी? कैश आया हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इस एंट्री की अपोजिट ही एंट्री है। यहां हमने कैश जमा किया था बैंक में, यहां हमने बैंक में से कैश निकाला है। अब बैंक में से कैश निकाला है तो हमारा यहाँ पे बैंक कम हो गया, ये पेमेंट साइड है, तो बैंक में हम इसमें यहाँ पे हम 1,000 रुपीज़ से हम क्रेडिट कर देंगे, बैंक अकाउंट में का बैलेंस हमारा कम हो गया, और यहाँ हम लिख देंगे बाय कैश, डेट डाल देंगे, और सी लिखना नहीं भूलेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब ये कैश बैंक में से तो कम हो गया, लेकिन हमारे ऑफिस में तो आ गया, हमारे ऑफिस के काम तो आया ही है, तो हम यहाँ पे कैश अकाउंट इंक्रीज हो गया हमारा, तो रिसिप्ट हुआ है, तो हम यहाँ लिख देंगे डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट, और फिर से सी यहाँ भी लिखना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, ये मेन ट्रांजैक्शंस हैं जो आपको कैश बुक टू कॉलम कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक में आपको मिलेंगी, और आपको हमने सैम्पल करके दिखा दिया है। अब हम इलस्ट्रेशंस भी करेंगे, TS ग्रिवाल की बुक का कोई अच्छा सा मुश्किल सा एग्जाम्पल लेके चलेंगे, जिसमें आपको GST भी मिले और ये सारी एंट्रीज भी मिले। तो आप देखते रहिए, अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल करेंगे डबल कॉलम कैश बुक या टू कॉलम कैश बुक के ऊपर, और इन्हीं सब ट्रांजेक्शन्स के ऊपर होगा। आप तब तक इन ट्रांजेक्शन्स को एक दफ़ा फिर से रिवाइज़ कर लीजिए, जिससे कि जब हम न्यूमेरिकल करें तो आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो फिर मिलते हैं कल अगले दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू।